आप लोगों को बधाई दे। देखिए रक्षाबंधन का आज त्यौहार है, पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से इस रक्षाबंधन के त्यौहार की शुभकामनाएं। और ये त्यौहार भाई बहन का रिश्ता, पवित्र रिश्ता और जो जिम्मेदारियाँ होती हैं बहनों की सुरक्षा रखना, ये जिम्मेदारी होती है। इसलिए ये राखी का त्यौहार राखी बांध करके बहनों की सुरक्षा हो, तो ये पवित्र रिश्ता है। यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया कल से शुरू होगी, प्रवेश पत्र दिए जाएंगे कल, कितनी पारदर्शिता देख रहे हैं आप? पारदर्शिता तो दिखती है नहीं, ये सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ये सरकार सबसे अभी तक की सबसे बेईमान सरकार, कितने बार पर्चे लीक हो गए और लीक होने के बाद न तो रद्द करके चुनाव वो पर्चा लीक होने के बाद फिर परीक्षाएं नहीं करा पाई, इससे ज़्यादा और गड़बड़ियाँ कर रही है। और ऐसा देखिए सरकार में चाहे तहसील हो, थाने हो, चाहे कोई सरकारी कार्यालय हो, चाहे नौकरियाँ हो, बिना पैसे के नौकरियाँ इसमें नहीं मिलती। और जब अभी तक 10 साल हो गए डबल इंजन की सरकार, फिर ट्रिपल इंजन की सरकार भी कह रहे थे, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं दी। कोई बातें झूठ बोल करके कोई झूठी बातें दोहराते रहे। केशव प्रसाद मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसे आप किस तरीके से? अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्री रहना है तो तारीफ करना पड़ेगी। सर 70,000 की शिक्षक भर्ती को लेके प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट हो गया है, वो अपील नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट में? तो देखिए ये तो फैसला सरकार को पहले ही लेना चाहिए था। अब तो कोर्ट ने आदेश दिया तो कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए पड़ेगा। तो कुछ डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर क्या कहें? डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार ने तो पहले ही कानून बना दिया था उनकी सुरक्षा का, तो सुरक्षा होना चाहिए, तो डॉक्टर की सुरक्षा होना चाहिए, लेडी डॉक्टर की सुरक्षा होना चाहिए और जितनी भी लेडी हैं उनकी सुरक्षा होना चाहिए। और उन्होंने कई बार जीरो टॉलरेंस की बात करी है, बात तो अभी भी करते थे लेकिन क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा, भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा, महंगाई बढ़ती चली जा रही, किसानों के साथ जो वादे किए थे शायद अभी तक पूरा नहीं किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।